काफी लंबी राइड होने वाली है यहाँ की। जो सारे लोग यहीं से बीच में से लौट आ रहे हैं और देखिए हम लोग भी कहाँ से हेलो ऑडियंस, क्या हाल चाल है? उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे। आज हम अपने आ चुके हैं जौनपुर के नजदीक, मतलब माना जाए बदलापुर से महज 10 या 12 किलोमीटर की दूरी होगी, और आ चुके हैं हम ओएसिस वाटर पार्क में। जस्ट हमारे आप सामने साइड देख पा रहे हैं, टिकट काउंटर है और जस्ट इस वाटर पार्क का रेट बता दिया जाए तो आपका 600 रुपए रेट पड़ने वाला है। ये मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे आपका होने वाला है 700 रुपए ओनली टिकट प्राइस। अगर बात की जाए लॉकर की प्राइस यहाँ पे 60 रुपए है, कॉस्ट्यूम की 100 रुपए, बट उसकी सेफ्टी के लिए अगर आप लोग उसका मतलब लेते हैं कॉस्ट्यूम अपना तो 200 रुपए आपका रिफंडेबल होने वाला है। जस्ट हम चलिए अंदर के साइड चलते हैं, हमने अपना टिकट ले लिया है और बैंड हमारा परचेज हो चुका है, तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं वाटर पार्क कैसा है और कैसी मस्ती आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के जरिए। ऑडियंस, जस्ट ये है यहाँ का मेन गेट, इसमें 2 गेट लगे हुए हैं, बट वो लेडीज के लिए है और ये जेंट्स के लिए है। तो हम लोग चलते हैं इस लाइन में और जस्ट हमारी लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से। अभी तो ज्यादा भीड़ है नहीं, और ये आप जस्ट बगल में हाईवे भी देख पा रहे हैं, जस्ट सामने बदलापुर का रोड आपको दिख जाएगा और आप पूरा ये चीज देख ही पा रहे हैं। तो चलिए हम अंदर के साइड आपको ले चलते हैं, डायरेक्टली आप विजिट कराते हैं वाटर पार्क के अंदर ही। उससे पहले हम लेते हैं अपना कॉस्ट्यूम। ऑडियंस, जस्ट अभी हम वाटर पार्क के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं, आप हमारे बैक साइड पे देख पा रहे हैं ये है वाटर पार्क। तो चलिए हम पहले अपने कॉस्ट्यूम को मतलब ले लेते हैं और बदल लेते हैं हर चीज, तब उसके बाद आपको विजिट कराते हैं पूरा वाटर पार्क। ने अपना कॉस्ट्यूम ले लिया है एंड लॉकर की ले लिया है, तो हम चलते हैं जस्ट चेंजिंग रूम में और बदलते हैं अपने कपड़े को। ऑडियंस, जस्ट हमने लॉकर को लॉक कर दिया है और हम लोग यहां से निकलने वाले हैं बाहर की साइड। हमने लिया अपना कॉस्ट्यूम और सभी भाई के पास अपना खुद का कॉस्ट्यूम था, तो हम लोग चलते हैं सीधा भाई छलांग लगा देते हैं स्विमिंग पूल के अंदर में। ऑडियंस, से सुबह गर्मी काफी ज्यादा है और ये जो पत्थर लगे हुए हैं इसमें टाइल्स या पत्थर जो भी लगे हुए हैं भाई बहुत तेज चल रहे हैं, देखिए कैसे कूद के भाग रहा है। सॉरी भाई, और जस्ट भाई फन कीजिए इसमें। यो भाई, ऑडियंस अभी यहाँ पे काफी सारी चीजें आप देख पा रहे हो, काम चल रहे हैं इसकी भाई स्लाइड से, चलो स्लाइड का मजा ले लो भाई। आओ भाई, ऑडियंस जस्ट चलते हैं ओएसिस वाटर पार्क की हम फर्स्ट स्लाइड लेने, जो कि सबसे छोटी स्लाइड है भाई। छोटी स्लाइड में हम चलने वाले हैं और मजा लेते हैं, देखते हैं भाई। ये तो काफी खतरनाक चीज है, एक बार आते आते पूरा डरवा दिया। मोबाइल में लेके आ रहा था भाई, वैसे जस्ट भीग गया पूरा इसी में। तो चलते हैं नीचे यहाँ से, चलते हैं। मजा तो काफी आ रहा है, पहली स्लाइड ली अभी, और भी काफी मजा आप सबको आने वाला है वीडियो में, मजा कीजिएगा भाई ऐसे ही। तो अभी यहाँ पे चलते हैं दूसरी स्लाइड का मजा लेने, ये पूरी पैक है भाई। ऑडियंस, ये काफी धीमी लग रही है, ज्यादा स्पीड नहीं है आपकी, स्पीड भाई कम है ये भाई, स्पीड एकदम डाउन। मजा नहीं आई क्यों भाई? मजा नहीं आई ना, पानी बंद हो गया भाई। ऑडियंस, जस्ट अभी हम लोग चलने वाले हैं बेपूल की तरफ और यहाँ का टाइम 12 बजे के लगभग पहला बेपूल चालू होने जाता है, तो चलिए हम लोग जस्ट बेपूल की तरफ चलते हैं। ऑडियंस, जस्ट आप सामने की साइड देख पा रहे हैं यहाँ का बेपूल है, ये बात की जाए तो यमजे की तरह आप मानेंगे तो सिर्फ वैसा ही है, यह हमें तो उससे बेस्ट लग रहा है भाई, ब्लू वर्ल्ड से। ब्लू वर्ल्ड का तो छोटा पड़ जाता है हमें ऐसा दिखता है। और यहाँ धीरे धीरे हम लोग मंदिर की तरफ चल रहे हैं भाई, जाबो बना चला नई स्लाइड में और जस्ट सुपरमैन की तरह उड़ेंगे भाई, ये देखिए इसको लेके।
जस्ट हम चलने वाले इस वाली स्लाइड में, जस्ट हम ये रोटेट होके नीचे की साइड चलने वाली है, चलते हैं इसमें लेटते हैं भाई। वाह भाई हम चलने वाले इस वाली स्लाइड पे, काफी लंबी राइड होने वाली है यहाँ की, जो कि सबसे बड़ी स्लाइड आपको दिखने वाली होगी ये वाली। और ये देखा जाए तो एक बार इधर से नीचे से ऊपर, फिर नीचे से उधर ले जाएगी। तो देखिए काफी सारे लोग यहीं से बीच में से लौट आ रहे हैं, और देखिए हम लोग भी कहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा होता है यहाँ का एडवेंचर, और बताते हैं ऐसी स्लाइड कैसी लगी आपको। इस वाली स्लाइड में चल रहे भाई, देख पा रहे हैं कितना ऊपर है, जस्ट आने के बाद नीचे पलट भी जाती है कभी कभी, बट देखते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है भाई। आपने तो उस वाली वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको, मैंने आपको दिखाया और बताया भी, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस वाली स्लाइड पे और विजिट कराता हूँ कैसा लगेगा। ऑडियंस काफी समय मस्ती करते करते कुछ प्यास और भूख भी लग गई है, तो चलिए हम चलते हैं एंजॉय करते हैं थोड़ा कैंटीन का और देखते हैं कैसी यहाँ की कैंटीन। ऑडियंस आप लोगों के साथ काफी सारी चीटिंग्स होने वाली है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये बिल, इस बिल में 175 का आपको सामान लिया नहीं बल्कि 169 का सामान लिया गया, एंड इसमें GST आपको 5% पेड करा लिया गया विदाउट GST नंबर के। आप देख पा रहे हैं सामने की साइड, इसमें विदाउट GST नंबर GST पेडेड है। आप लोग इस कैंटीन की व्यवस्था देख पा रहे हैं, काफी बेहतरीन लग रही है, साफ सफाई भी आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन है। क्यों भाई, साफ सफाई बेहतरीन है ना भाई, बट लो भाई रिफंड चाहिए मुझे, तो इसे देना पड़ेगा तभी रिफंड मिल पाएगा अपना। चलिए देते हैं इसको और रिफंड लेते हैं। सभी अपने अपना लॉकर एंड कॉस्ट्यूम दे दिया है और ये रिफंड के लिए मोहर लग चुकी है, रिसीव्ड हो चुका है, और हम चलते हैं रिफंड लेते हैं और चलते हैं बाहर। जस्ट अभी हम वाटर पार्क से बाहर आ चुके हैं, और कैसा लगा आप सबको यह वाटर पार्क एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग विजिट कर रहे हैं, बट अभी रेंट हम जो यहाँ का रेट है 600 रुपए, अगर इसको कम किया जाए तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, और जो रेट है तो उस हिसाब से हमें सही ही लगा। खाना पीना उस हिसाब से कोई चीज मिला नहीं भाई, जो था उसमें तो हमें तो सही लगा भाई, क्योंकि हमारा रेट जो था हमारा सही था। और जैसे आप लोग आ रहे हैं विजिट कर रहे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा ये वाटर पार्क। चले मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, बाय बाय ऑडियंस।